गिनती की पुस्तक अध्याय 32, गिनती की पुस्तक अध्याय 32। अढ़ाई गोत्र के इसराइलियों को यर्दन के इसी पार का भाग मिलने का वर्णन। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह ढोरों के योग्य देश है, तब मूसा और अलियाजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दिबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरी का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है वह ढोरों के योग्य है और तेरे दासों के पास ढोर है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यर्दन पार न ले चल। मूसा ने गादियों और रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहां बैठे रहोगे? और इसराइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था, अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा तब इसराइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के वा उससे अधिक अवस्था के हैं वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसे देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं तो उसे देखने पाएंगे। सो यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा, इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने ढोरों के लिए यही भेड़शाले बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यही नगर बसाएंगे, परंतु आप इसराइलियों के आगे आगे हथियार बंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दे, परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इसराइली अपने अपने भाग के अधिकारी न हो तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यर्दन पार वा कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यर्दन के इसी पार पूरब की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यर्दन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वश में न आए तो उसके पीछे तुम यहां लौटोगे और यहोवा के और इस्राएल के विषय निर्दोष ठहरोगे और यह देश
यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा, और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाओ, और जो तुम्हारे मुंह से निकलता है वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने मूसा से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे, हमारे बाल बच्चे, स्त्रियां, भेड़ बकरी आदि सब पशु तो यही गिलात के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इसराइलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यर्दन पार जाए और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलाद देश उनकी निज भूमि होने को उन्हें देना, परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाए तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलवाया है वैसा ही हम करेंगे, हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यर्दन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को और यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उसके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेतनिमरा और बेथारान नाम नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाले बनाए, और रूबेनियों ने हेशपोन, एलाले और किरियातैम को फिर नबो और बालमून के नाम बदलकर उनको और सिबमा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माके के वंशवालों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो एमोरी उसमें रहते थे उनको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद दे दिया और वे उसमें रहने लगे, और मनश्शे याईर ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हब्योत्याईर रखे, और नोबह ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा।